इनसे पूछिए माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया, इनसे पूछिए जो बच्चों को जो कबड्डी खेलो, सुनिए एजुकेशन का बजट काटा गया। डिबेट करने आते हो या कबड्डी का खेल खेलने आते हो? इनसे पूछिए एजुकेशन का बजट क्यों काटा गया, इनसे पूछिए स्वास्थ्य का बजट क्यों काटा गया, इनसे पूछिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों काटी गई, इनसे पूछिए पढ़ो प्रदेश करके स्कॉलरशिप क्यों काटी गई। तमाम ऐसी और पासमानदा समाज की बात करते हैं, बिल्किस बानो की याद नहीं आई, ज़किया जाफरी की याद नहीं आई इनको। जी जवाब साहब, स्वास्थ्य का बजट काटा नहीं गया। देखिए मैं बताता हूँ, जवाब भाई अच्छा विश्लेषण करते, थोड़ी सी चूक रह गई। बकायदा स्वास्थ्य से लेकर कृषि से लेकर सबका फाइनेंशियल बजट बढ़ाया गया है, ना केवल फाइनेंशियली दृष्टिकोण से चीज से भी। और दूसरी बात, इंडिया का इन्होंने जब प्रेस रिलीज किया था तो गौर से सुनिएगा, कई जगह इन्होंने मेंशन किया है I.N.D.I.A, अर्थात मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ। सब एक दूसरे को फुल स्टॉप लगा रहे हैं केवल सत्ता सुख के लिए। और मोदी जी ने बहुत खूब कहा, एनडीए के लिए नेशन फर्स्ट है, यूपीए और ये जो IN.DDA कर रहे हैं इनके लिए पर्यावरण फर्स्ट है, इनके लिए फैमिली। स्वास्थ्य का बजट क्योंकि कल ही पढ़ रहा था, कुछ लेख पढ़ रहा था, 5.5 लाख करोड़ खर्च करते हैं, 5.5 लाख करोड़, बहुत ज्यादा नहीं हो, ज्यादा होना चाहिए, स्वास्थ्य का बजट ज्यादा होना चाहिए, मैं इसका पैरोकार हूँ। कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध के धरती से आया। अरे हे, तो कुछ बोलोगे कि बस ध्यान में रहोगे? सर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर ये जो अभी के जो हमारा जो माहौल है इसमें तीन चीज बहुत जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान, ये पहले तीन चीज के बाद। तुम्हारी उम्र क्या है? 34 साल। और 34 साल तो इनकी पैदाइश हुई होगी लगभग 80 के आसपास, 80 के नवासी में हुई जी। लेकिन हम तुमसे पहले के पैदा है जी, जी। उस समय भी एक नारा आया था, रोटी कपड़ा और मकान, आदरणीय रामविलास पासवान जी का नारा था जब। ना 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 ना, उससे भी पहले का नारा है ये, रोटी कपड़ा और मकान। देखिए कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाने की पहल की है, कितने देश में मध्यावी चरण दिए हैं, हरदन अली देवगौड़ा किसने सरकार घेरी, और चंद्रशेखर की सरकार की किसने घेरी, और जो घेरी मतलब घेरी मतलब जो ये कहते हैं घेराई। अरे भाई हमको बताना पड़ा, हिंदुस्तान में कई लोग हैं ना देखते हैं प्रोग्राम, घेरी मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं दिल्ली के। इतनी सरकारें गिराकर जनता ने मन बनाया, 140 करोड़ जनता ने, और जो एनडीए की बात करते हैं 2014 में हरप्रीत बादल राज्य मंत्री कृषि मंत्री बनाई थी, एनडीए घटक दल से बनाई थी 2014 में। मैं ये सब समझ लूंगा, ये सब हम समझ लेंगे, ये सारे लोग आए हैं। हम ये सब समझ लेंगे, मुझे सिर्फ एक बात पूछनी तुमसे, नाम क्या याद भूल गया मैं, पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज, क्या मुझे यहाँ आ जाते हो कनॉट प्लेस में? मैं सर सुबह आता हूँ, LIC में काम करता हूँ। हाँ। और जब फ्री हो जाता हूँ आपका शो देखता हूँ। हाँ। और यहाँ पे डिबेट करता हूँ। मुझे ये बताओ घर में सब कुछ थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? देखिए घर पे मम्मी पापा 38 परिवार है, 38 लोग हैं उसमें। हाँ। मैं भी 38 हैं, इकट्ठे रहते हैं चार दीवारी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा ध्यान वहाँ ज्यादा लगाओ, और यहाँ दिमाग में लगाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये राजनीति का शौक है बचपन से, फादर ने ऑटो चला के पढ़ाया है और राजनीति में आगे बढ़ाया आप लोगों ने, आपने बिठाने का मजबूरी आपका। तो ये जो लोग हैं ना इनसे होशियार रहो। नरगिस अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा।